इतना बड़ा विकल्प आप बन सकते हैं अभी आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे नवजोत जी आ, पंजाब क्रॉस रोड्स पे है आ, साल में फ्रॉम बिंग द रिच स्टेट हम आज रिच स्टेट्स की सूची में पंद्रहवें नंबर पे हैं अगर यूनियन टेरिटरीज लगा लें उन्नीसवें नंबर हर इंडेक्स में हम चाहे जितने मर्जी कागजों के टुकड़े दिखा लें हमें पता है हमें पता है कि पंजाब बॉटम पे आ गया है अब उसके लिए बारी बारी से ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं अब पंजाब की जिंदगी का हर पहलू माफिया करण हो गया रीज़न भी, चलिए आप सैंड माफिया छोड़ दीजिए ड्रग्स माफिया ये वो छोड़ दीजिए जो हमारे शहर हैं उनकी 90 परसेंट अनप्लैंड इलीगल ग्रोथ हुई है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था हमारा जो एग्रीकल्चर है जो हमारे पन सब पन ग्रेन इतने ये अधारे बोलते हैं वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज बन के रह गए वहाँ पे किसी तरीके की कोई, कोई कोशिश नहीं हुई कुछ भी हेल्प करने की तो जब हम उस क्रॉस रोड्स पर आ गए वो शुरू कब हुआ अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 97 में मैंने पहली बारी वोट डाली बादल साहब आए हम बड़े खुश थे हम बादल साहब ने बड़ी सपोर्ट की बादल साहब आए चोर चोर होने लगी जी कि निकला ले लेंदे है कैप्टन साहब आए मुझे लोगों ने कहा भाई राजे नेता खाना होता है राजा से इतना खाई चलो फिर दूसरी बारी बाद साहब आए सुखवीर जी वो कहते हैं भाई अगर ये खा सकते हैं तो हमें क्या हम वैसे ही नेटवर्क्स बनाएंगे अब कांग्रेस में ये साढ़े चार साल में क्या हुआ है कि कैप्टन साहब लायन शेर रख रहे थे जब ये सब नीचे वाले थे इकट्ठे हुए इन्होंने जाके शोर मचाया कि भाई ये क्या करें उन्होंने कैप्टन साहब को सिद्धू साहब को आगे लगा के कैप्टन साहब को हटा दिया जब हटा दिया सिद्धू साहब को लगा भाई मैं अब साफ सुथरा मॉडल लाऊंगा पंजाब मॉडल आएगा वो पता क्या लगा कि ये सारे इकट्ठे हुए सिद्धू साहब आज बाहर हैं और वो तीन तीन हजार पांच पांच हजार के वो मंत्री ये तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मतभेद हो सकता है मनभेद किसी में नहीं है देखिए कांग्रेस यूनाइट है यही तो बोल रहे हैं मैं कह रहा है, रहा है। जी सद के यूनाइटेड रहे हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप इनकी शक्लें तो देखिए अगर सिद्धू साहब ने एक कांग्रेस ऐसा हो जिसको क्रिटिसाइज ना किया हो आप एक काम कीजिए आप जरा पंजाबी मीडिया उठाइए राणा गुरजीत जी खैरे को गाले निकाल रहे हैं खैरा साहब इनको कह रहे हैं रंधावा जी उनको कह रहे हैं आप अपने विजन पे चुनाव जीतेंगे जी, या सिद्धू साहब को गालियां किसको निकाल चुनाव जीतेंगे मैं मैंने आपको शुरू इसलिए इस बात से किया था कि हम क्रॉस रोड पे है क्योंकि इसके बाद खाई है इसके बाद पंजाब नीचे है और हमारा विजन ये है सुनिए हमारा विजन ये है कि जो एम्पावरमेंट है भगवंत मान से इनको बहुत चिड़ा है इनको चिड़ इसलिए है है कि उनको ये लगता है कि उनको लगता अगर ये पावर में आ गया तो द द हैंड ऑफ लॉ जो है वो आम आदमी के हाथ में चला जाएगा 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 हिसाब हिसाब लिया लिया और जब मैम तो हिसाब में सब आते हैं आप जी, जी जनता कह रही है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को जितवा देते हैं भगवंत मान मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो सिर्फ एक पपेट रहेंगे सत्ता दिल्ली से चलेगी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ पार्टी है हमारी एक पार्टी है जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है और ये मैं आपको आपत्ति है मुझे जब लोग कहते हैं डेली मॉडल नहीं हमारा यूनिक पंजाब मॉडल होगा और पंजाब से ही चलेगी ये जो एक माइंडसेट है ना कि ये वो चलाएंगे जी उसको ये चलाएंगे भगवान वो बंदे ने पार्टी खड़ी की है सिंगल हैंडेडली सिंगल हैंडेडली अगर उसमें ये क्षमता थी कि वो पार्टी खड़ी कर सकता था तो तो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट वाला हाल हो गया था उसमें। नहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं देखिए मैं आपको बात बताता हूँ पार्टी में क्या था इनकी सत्रह में क्या हाल था मैं मानता हूँ सत्रह में क्या हुआ मैम बॉम्ब्लास्ट हुआ मॉड मंडी में छत्तीस घंटे पहले केपीएस गिल का बयान आया आम आदमी पार्टी आएगी खालिस्तानी आएंगे सत्रह में फियर मॉन्गरिंग बेअदबिया पूरा पूरा बिग पिक्चर देखिए बेअदबियां हुई, हुई। टारगेटेड किलिंग्स हुई पहले पता ही नहीं कौन मार गया तो जेल में बैठे बंदे कत्ल करवा रहे थे इस बार ही शुरू हुए थे इस बार ही शुरू हुए थे बेअदबिया हुई इन्होंने ब्लास्ट करवाया हमने टीके ही इतनी मार दी कि इनको शिक्षा की इनको हेल्थ की बात करनी पड़ी नहीं तो क्या होता था कैप्टन ने जान ना दत्ता नहर ना पानी पंथ बचा लिया बादल साहब ने जब के बड़े हुए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ મોદી ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਫਾਰ ਅ ਵੈਰੀ ਲੰਗ ਟਾਈਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ मेरे को अहबाब जी एक बात बता दें जो आज केजरीवाल की स्टेटमेंट आई है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आती तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे तो ये क्या डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है ये आज उतन की स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की आपको शायद नहीं पता आज आप लेटेस्ट देखिए और सेकंड थिंग मैं अभी ये बात करता हूं प्रोग्रेसिव स्टेट की बात करते हैं दिल्ली में इनसे पूछें कि आज इनके स्कूलों की जिसकी एजुकेशन सिस्टम की दुहाई देते हैं वहां अठारह वैकेंसीज दिल्ली स्कूल में खाली पड़ी आरटीआई का इंफॉर्मेशन है ये तो लोग क्यों नहीं जा रहे है 3700 बसेस दिल्ली में खटारा घोषित कर दी गई है डीटीसी की तो ट्रांसपोर्ट अच्छी है और कोविड के टाइम पे जो दिल्ली का हाल हुआ जवाब और आज आज पंजाब को सिर्फ ये बात बता दें बाप जी के जरनेल सिंह जिसको लंबी में दो में चुनाव लड़ाया था सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ वो जर्नैल क्या सिर्फ वोटों के लिए बरतना चाहते थे उन्हें जब उन्हें कोविड में जरूरत पड़ी उन्होंने फेसबुक ट्विटर सभी जगह अपील की कि मुझे एक बेड चाहिए उन्हें एक बेड आप दिला नहीं सकी आम आदमी और वो तड़पते हुए मर गए तो क्या फिर इनकी सिर्फ वोटर नोट की राजनीति है ये बताएं और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे जो कोविड के टाइम पे हाथ खड़े करके निकल गए थे कि मैं नहीं संभाल सकता केंद्र आके साढ़े चार सौ मोहल्ला क्लिनिक में से ढाई सौ बंद है आरटीआई की इंफॉर्मेशन है क्यों क्योंकि फंड्स पंजाब पंजाब में में एडवर्टाइजमेंट पे लगाए जा रहे हैं साढ़े आठ सौ करोड़ रुपया ये दिल्ली का मॉडल है क्या पंजाब के थर्मल बंद कराना दिल्ली का मॉडल है पटिशन डालते हैं क्या एस वाई एल का पानी लेके जाना दिल्ली का मॉडल है क्या किसानों की जमानतों का विरोध करना दिल्ली का मॉडल है क्या जो एक एकड़ पे एक करोड़ के फाइन का स्वागत किया और पोल्यूशन के लिए पंजाब को दिल्ली का जिम्मेवार बताया क्या यह दिल्ली का मॉडल है नहीं यह दिल्ली का मॉडल सिर्फ और सिर्फ पंजाब हथियाना है और भगवंत मान क्या है भगवंत मान की अपनी कोई हस्ती नहीं है आप मेरे को यह बताएं बाप जी यह बताएं हु इज राघव चड्डा वो पंजाब के फैसले कौन लौता लेने वाला कोई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो राघव चड्डा करेगा पार्टी की पॉलिसीज राघव चड्डा बताएगा क्यों क्या भगवंत मान अकेला दारू पीने के लिए रखा आम आदमी पार्टी ने क्यों बाकी सारे काम राघव चड्डा करते हैं